ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो भाई लोग, आज का हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर जो आपका लकी स्पिन हो गया, बोनस पास हो गया, उसके उनकी रिलीज डेट वगैरह क्या आने वाली, नेक्स्ट आपका जो मिथिक फोर्स हो गया ग्लोबल का, तो ग्लोबल में कौन से एक्सपेक्टेड चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आने वाली, साथ में वो भी बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो सुपर बग की स्किन्स वगैरह आने वाली हैं 3.5 के अपडेट में, वो भी देखने वाले हैं, और भी बहुत सारे लीक्स आज के वीडियो में देखेंगे, तो मेक श्योर लास्ट तक आप लोग वॉच करना, ठीक है। तो वो चलो सबसे पहले तो बात करते हैं, आपको कुछ टाइम पहले ये वाली बग्गी की स्किन दिखाई थी, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया था कि हम लोग को नेक्स्ट यहाँ पे जो 3.5 का अपडेट है उसमें हाई चांसेस है कि हम लोग यहाँ पे सुपर बग्गी के तौर पे यहाँ पे बग्गी की स्किन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब चलो सिंपली यहाँ पे कुछ यहाँ पे गेम फॉर पीस की इमेजेस आपको दिखाता हूँ। मान लो कि अपने 3.5 के अपडेट में ये वाली जो सुपर बग्गी की स्किन वगैरह आती है, तो जैसे हम लोग को प्रेजेंट टाइम पे गेम फॉर पीस में सुपर बग्गी की स्किन वगैरह आती है ना, तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाती है। देख सकते हो उसका लेवल 1 हो गया, उसका यहाँ पे बोल सकते हो इसका जो लेवल 3 हो जाता है, मतलब यहाँ पे कुछ लेवल तक इनको अपग्रेड वगैरह मतलब करना पड़ता है, जैसे आप लोग मतलब सुपर कार को यहाँ पे मतलब करना पड़ता है अपने डैसे वगैरह को, तो उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे एक सुपर बग्गी की टाइप की आएगी जिसका ब्रॉडकास्ट वगैरह आप देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे गेम फॉर पीस में बहुत टाइम पहले से ये वाली सुपर बग्गी मतलब कि पहले से थी, पर अब हम लोग यहाँ पे बहुत से तो ग्लोबल और बीच में दोनों में आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही जल्दी इसका पूरा 3D टेक्चर जैसे आ जाएगा उसके बाद आपको दिखा दूंगा, बाकी आपको इमेज लुक दिखाई दिया कि किस टाइप से हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे परेशान है कि भाई हम लोग यहाँ पे जो स्कारल ग्लेशियर आने वाली है उसका टेक्चर वगैरह क्या होने वाला, किस टाइप से हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो देखो ये वाली इमेज अभी प्रॉपर यहाँ पे निकल के आ रही है, अभी ये पूरा कंफर्म यहाँ पे इमेज नहीं होने वाली है, पर जहाँ तक हाई चांस है कि भाई जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं UMP ग्लेशियर आए थे ना, तो उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे एक यहाँ पे जो स्कारल ग्लेशियर अपनी आने वाली है सेम इसी टाइप से, तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी एक चीज़ आप लोग ट्रस्ट मत करना, ये वाली जो अभी यहाँ पे एक इमेज आपको दिखा रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे यूट्यूबर लोग बता रहे हैं और भाई बहुत सारे मेरे पास भी आए थे, सब्सक्राइबर ने मेरे भेजा था कि भाई ये क्या चीज़ है, मतलब सिलेक्शन बॉक्स में हम लोग को क्या देखने को मिल जाएगी तीनों गन की स्किन, तो ऐसा कुछ नहीं, ये वाली जो इमेज आपको दिख रहे हो तो ये एडिटेड है यहाँ पे इमेज होने वाली है, तो इस चीज़ पर आप लोग ट्रस्ट मत करना। बाकी देखते हैं अभी कन्फर्म नहीं हुआ किस टाइप से ये लोग देंगे, बाकी जब आएगी तो आपको मतलब कि तुरंत ही बता दूँ किस टाइप से हम लोग को आने वाली। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपकी जो PDP लकी स्पिन आने वाली तो हम लोग को 8 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगी इसी मंथ में, तो 8 तारीख ये वाली बहुत ज्यादा PDP ग्रेड हम लोग को अपने बीच में और ग्लोबल दोनों साथ में ही देखने को मिल जाएगी। बाकी इसमें आपको दो आउटफिट मिल जाते हैं जो कि दो हम लोग के मिथिक होने वाले हैं, तो सेकंड वाले आउटफिट देख सकते हो, सेकंड वाले आपको ये वाली देखने को मिल जाएगी। आउटफिट की बात करें तो आउटफिट काफ़ी यूनिक से बनाई गई है, पूरा हम लोग को वैम्पायर टाइप की आउटफिट देखने को मिल जाएंगी। बाकी कुछ आपको बहुत सारे यहाँ पे लेजेंडरी में आउटफिट आने वाली है, तो ये वाले आउटफिट देख सकते हो, ये वाले आउटफिट आपको देखने को मिल जाएगी, पर इसमें सबसे बेस्ट आउटफिट मुझे भाई ये वाली लगती है, मतलब ये वाली जो फीमेल वाले आउटफिट है ना, इसका क्लोथ डिजाइन लिटरली बताओ तो मुझे काफ़ी पसंद आता है, बाकी इसका हेयर वगैरह भी काफ़ी मस्त लगता है, तो ये वाली PDP ग्रेड हम लोग को बहुत सारा 8 अक्टूबर को अपने बीच में देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके साथ कोई अपग्रेडेबल गन की तो नहीं आ रही, पर हम लोग यहाँ पे जो थॉमसन की टॉमिक गन की स्किन होने वाली है, तो ये वाली थॉमसन की स्किन हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपकी रिलीज डेट यहाँ पे कन्फर्म हो गई होगी। बाकी उससे पहले जिन भाई लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पहली बार तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना, आप लोग की एक सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दिया करो भाई लोग। 10K फैमिली कंप्लीट करनी है तो प्लीज़ अपने भाई को थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट दिखा देना, एक प्लीज़ एक लाइक कर देना एक सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका जो बोनस पास आने वाला है बीच में और ग्लोबल दोनों की बात करें तो हम लोग को 25 अक्टूबर को आने वाला है, तो अभी काफ़ी दिन यहाँ पे होने वाला है, तो 25 अक्टूबर को कन्फर्म यहाँ पे डेट है कि हम लोग को यहाँ पे जो बोनस पास है वो बोनस पास आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ग्लोबल की बात करें तो हो सकता है ग्लोबल का 10 से 12 तारीख के बीच में आपको देखने को मिल जाए। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे देख सो तो इसके साथ हम लोग यहाँ इस सबसे बेस्ट बात ये कि भाई हम लोग को जो इस बार आउटफिट आ रहा था आउटफिट हम लोग यहाँ पे मिथिक मतलब मिथिक में होने वाला, तो काफ़ी वर्थ इट होने वाला, और जो आप लोग लेना चाहते हो तो भाई ये वाला बोनस पास मैं बोलूँगा खुद कि आप लोग लेना चाहते हो तो जरूर से ले लेना, क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट बात है कि भाई आपको हेडगेयर भी मिथिक मिल रहा है और प्लस यहाँ पे जो आउटफिट है वो भी मिथिक मिल रही है। तो आउटफिट की बात करें तो आउटफिट बहुत ज़्यादा रेयर आउटफिट लगता है, बस एक चीज़ मुझे यहाँ पे बेकार लगता है, इसके हाथ में देख सो तो यहाँ पे जो मतलब कि लोहे टाइप की कुछ चीज़ यहाँ पे लगा दी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे बकवास लगता है, बाकी आउटफिट की बात करें तो आउटफिट काफ़ी बेटर लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके साथ जो यहाँ पे हेलमेट की स्किन आने वाला, तो इसका लेवल 1 लेवल 2 और यहाँ पे लास्ट में जो लेवल 3 होने वाला है, तीनों लेवल्स आप लोग चेकआउट कर सकते हो, तो ये पूरा प्रॉपर हम लोग यहाँ पे हेलमेट की स्किन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो बैकपैक आने वाला, तो बैकपैक भी आप लोग देख सकते हो लेवल 1 लेवल 2 और यहाँ पे लास्ट में जो लेवल 3 होने वाला, तो ये पूरा कंप्लीट हम लोग यहाँ पे इसका बैकपैक देखने को मिल जाता है, तो बैकपैक उतना कुछ खास तो नहीं लगा। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो पैन की स्किन आने वाली है, तो कुछ इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे बहुत सो एक सीजन 5 का पैन आया था पबजी ग्लोबल में जो कि बीच में से रिमूव हो गया था, तो उसी टाइप से बस हम लोग को इस पर 5 नहीं देखने को मिलता है। बाकी आपके जो गोटे हो गए तो ये वाले गोटे आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी नुकीले इस बार गोटे मिल रहे हैं हम लोग को। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बेस्ट भाई इस बार हम लोग को जो M249 की स्किन मिल रही है, तो ये वाली इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये वाला और जो आप लोग बोनस पास लेते हो तो ये वाला बोनस पास आपको बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहने वाला है, मतलब काफ़ी मतलब सही है। तो इसमें आपको बहुत सोचते हैं सबसे पहले तो मिथिक इमोट, मिथिक हेडगेयर, मिथिक यहाँ पे बहुत सोचते क्या बोलते आउटफिट मिल जाएगा, उसके बाद ये वाले आपको M249 की गन की स्किन देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे जो हम लोग न्यूज मतलब कि एक सीप आई है टैंक वाली बेसिकली, तो इस वाले टैंक को आपको पता ही भाई पानी में भी चला सकते हो और यहाँ पे मतलब कि और कहीं यहाँ पे मतलब कि जमीन पर भी चला सकते हो, तो ये वाले टैंक आपको देखने को मिल जाएगी
प्रॉपर ही, जो कि इसके भी स्किन हम लोग को यहाँ पे मतलब बोनस पास में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलो सिंपली आपको गन लाइन में चल के दिखा देता हूँ। तो वो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये वाली जो M249 की स्किन आएगी, तो ये हम लोग को लेवल 5 तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो लेवल 1, उसके बाद इसका जो स्पेशल इफेक्ट होता है तो एलिमिनेशन स्पेशल इफेक्ट देख सकते हो, काफ़ी अभी बेटर लग रहा है, पूरा एक पिंक कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपको जो एडवांस फॉर्म होने वाला, तो एडवांस फॉर्म भी आपको पिंक कलर में देखने को मिल जाता है। तो एडवांस फॉर्म भी काफ़ी यहाँ पे बेटर लगती है वाली गन की स्किन। बाकी ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ब्रॉडकास्ट काफ़ी मस्त यहाँ पे लग रहा है। तो ये वाला बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे इसका एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट भी मिल जाता है। बाकी हिट इफेक्ट की बात करें तो ये वाला हिट इफेक्ट देख सकते हो, ये भी हम लोग को एक पूरा प्रॉपर यहाँ पे पिंक कलर में देखने को मिल जाएगा। तो ये हम लोग को पूरा कंप्लीट यहाँ पे बोल सकते हो M249 की जो स्किन आने वाली है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो टैंक स्किन होने वाली है तो ये आपको लेवल 3 तक देखने को मिल जाएगा। तो जिसको लो भाई आपको मतलब अपग्रेड वगैरह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंजन वगैरह लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देख सकते हो इसका एडवांस फॉर्म हो गया, उसके बाद इसका एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट हो गया। तो ब्रॉडकास्ट भी काफ़ी मस्त लगता है और भाई काफ़ी यहाँ पे शाइनिंग कर रही है वाली बोल सकते हो हम लोग के यहाँ पे जो टैंक होने मतलब टैंक शिप होने वाली है। बाकी फाइनल फॉर्म की बात करें तो फाइनल फॉर्म आप लोग देख सकते हो, तो ये पूरा हम लोग कंप्लीट यहाँ पे बोनस पास आने वाला, जो कि 25 अक्टूबर को हम लोग को ग्लोबल में यहाँ पे ग्लोबल में पहले आएगा। बाकी बीजमा की बात करें तो बीजमा हम लोग को 25 अक्टूबर को आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हम लोग का नेक्स्ट यहाँ पे जो 3.5 का यहाँ पे जो पबजी ग्लोबल के यहाँ पे मिथिक फोर्स है, देखो बीजमा का नहीं है पहले बता दे रहा हूँ, बाद में मत कहना कि आप लोग मतलब बीजमा का ऑलरेडी मैंने जो बीजमा का तो बीजमा का मतलब पहले ही बता के रखा है। बाकी मैं ग्लोबल की बात करूँगा आज के वीडियो में मिथिक फोर्स की। तो देखो हम लोग का जो ग्लोबल है तो ग्लोबल में इस बार एक्सपेक्टेड है कि भाई ये वाला जो हम लोग को आर्कटिक वाला यहाँ पे जो क्या बोलते हैं सेट है, तो ये हम लोग को आपको मिथिक फोर्स में देखने को मिल जाएगा। हाई चांसेस है कि इस बार हम लोग को आर्कटिक सेट ये वाला आपको मिथिक फोर्स में देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला सेट किन किन भाई लोग को पसंद है मुझे कमेंट करके बता देना। ऑलरेडी यहाँ पे ग्लोबल में एक बार यहाँ पे क्लासिक रेट में आ चुकी है, पर यहाँ पे यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो इस बार भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे जो अपडेट आ रहा है 3.5 का, तो हम लोग को विंटर अपडेट होने वाला, तो इसीलिए हाई चांसेस है कि हम लोग को ग्लोबल में ये वाला जो आर्कटिक वाला जो आपका आउटफिट दिख रहा है तो ये वाला आउटफिट आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड बात करें तो सेकंड आपको थॉर्न वाला ये वाला आउटफिट देखने को मिल जाएगा, जो कि ये भी काफ़ी ओल्ड एंड काफ़ी रेयर मतलब कि आउटफिट है, तो ये भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि आउटफिट उतना कुछ खास नहीं लगता, पर इसके इमोट वगैरह और भाई पहले के आउटफिट की बात ही दूसरी थी। तो देख सकते हो ये वाला आउटफिट है और यहाँ पे प्लस यहाँ इसका जो मास्क होता है, तो ये पूरा कंप्लीट हम लोग के यहाँ पे सेट देखने को मिल जाता है। बाकी इसका इमोट भी देख सकते हो, पूरा एक पेन वाला आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी यूनिक सा मतलब इमोट वगैरह लगता है। तो ये आपका सेकंड आउटफिट हो गया जो कि एक्सपेक्टेड होने वाला, जो कि 3.5 का अपडेट के यहाँ पे ग्लोबल का जो मिथिक फोर्स है उसमें हम लोग को हाई चांस है कि ये दोनों आउटफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला आउटफिट आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। उसके बाद थर्ड वाली आउटफिट की बात करें, थर्ड वाली ये वाली जो चिकन वाली आपकी आउटफिट है, तो सबसे बेस्ट भाई इसका हम लोग को मतलब इसका इमोट लगता है, इमोट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये देख सकते हो ये वाला आउटफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला आउटफिट आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। तो हालांकि हम लोग ये वाली जो आपको ये वाली जो चिकन वाला आउटफिट दिखा रहा हूँ, तो ये हम लोग को ग्लोबल में अभी हाल ही फिलहाल हम लोग को क्लासिक रेट में आई थी, पर यहाँ पे क्लासिक रेट से रिमूव हो गई है। तो इसके भी चांसेस यहाँ पे हैं कि ये जो तीन आउटफिट आपको दिखाया हूँ, तो ये तीन आउटफिट आपको नेक्स्ट यहाँ पे बोल सकते हो कि पबजी ग्लोबल का जो मिथिक फोर्स है उसमें एक्सपेक्टेड के तौर पे अभी निकल के आ रहा, तो ये तीनों यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी जो गन की स्किन होने वाली, तो गन आपको चलो कंफर्म बता दो कौन कौन से यहाँ पे गन आने वाली है। बाकी आउटफिट आपकी मतलब आउटफिट आपकी सबसे यहाँ पे बोल सकते हो हाई चांस जिसके हैं, तो आपका आर्कटिक जो सेट दिखा है वही होने वाला। बाकी यहाँ पे ये वाले DP28 की हाई चांस है कि हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो चलो सिंपली इसको गनलाइन में चलकर आपको दिखा दे रहा हूँ। और सबसे बेस्ट बात देखो, ये वाले DP हम लोग को जो होने वाली है ना, तो ये आपको लेवल 5 तक देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए इसके भी हाई चांसेस है कि हम लोग इस बार जो ग्लोबल का यहाँ पे मिथिक फोर्स होने वाला है, तो उसमें यहाँ पे अपग्रेडेबल के तौर पर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो देख सो तो इसका एडवांस फॉर्म हो गया, एडवांस फॉर्म भी काफ़ी यहाँ पे बेटर लगता है ये वाले DP का। बाकी इसका ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ब्रॉडकास्ट वगैरह भी देख सो तो ब्रॉडकास्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो पूरा हम लोग यहाँ पे देख सो तो हल्का सा यहाँ पे ग्लेशियर थीम से यहाँ पे मैच करते हुए ये वाली गन दिखती है, तो इसीलिए इसके भी चांसेस है कि हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, कन्फर्म मत मानना आप लोग, ठीक है। बाकी जैसे एक्सपेक्टेड मतलब कन्फर्म हो जाएगी बीटा का अपडेट के बाद, उसके बाद आपको बता दूंगा। बाकी जितने भी चीज़ें आपको बताऊंगा उन्हीं में से यहाँ पे कन्फर्म होने वाली है, मतलब कि कुछ आएंगी कुछ नहीं आएंगी, तो उन्हीं में से कन्फर्म होंगी और अलग से यहाँ पे नहीं होने वाली है। नेक्स्ट बात करें तो ये वाली कार्नाटेट की स्किन बताएं तो 50-50% यहाँ पे चांस होने वाली है, ये आ भी सकती है या फिर नहीं भी आ सकती है। तो ये भी देख सकते हो, ये भी काफ़ी मतलब रेयर स्किन है, काफ़ी ओल्ड स्किन है, तो ये भी हम लोग को हाई चांस है कि हम लोग को नेक्स्ट यहाँ पे जो ग्लोबल का मिथिक फोर्स आ रहा है, तो ये वाली कार्नाटेट आपको देखने को मिल जाती है। तो गनलाइन में बात करें तो ये भी हम लोग को लेवल 5 तक आपको देखने को मिल जाती है, जिसका नाइट ऑफ रॉकेट इसका नेम होने वाला है। तो इसका स्पेशल इफेक्ट भी आप लोग देख सकते हो, स्पेशल इफेक्ट भी काफ़ी बेटर लगता है। बाकी एडवांस फॉर्म की बात करते हैं, एडवांस फॉर्म भी आप लोग देख सकते हो। बाकी इसका जो ब्रॉडकास्ट हो गया, तो ब्रॉडकास्ट भी चेकआउट कर सकते हो आप लोग, काफ़ी यहाँ पे बेटर लगता है। नेक्स्ट इसका जो फाइनल फॉर्म हो गया, तो ये दो गन की स्किन आपको नेक्स्ट यहाँ पे जो 3.5 का वो सकते मिथिक फॉर्स है उसमें एक्सपेक्टेड के तौर पर देखने को मिल जाएगी। बाकी कन्फर्म यहाँ पे गन की बात करो तो सबसे पहले तो ये वाली आपको स्कारल, भाई ये वाली स्कारल की सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है कि हम लोग इस बार ग्लोबल जो आए
तो ग्लोबल में हम लोग इस बार ऐड हो जाएगी। ये देखो 3.4 के अपडेट ही में ये वाली ऐड होने वाली थी, इस कारण पर यहाँ पे दिया नहीं था, पर इस बार हाई चांसेस था कि हम लोग को 3.5 का जो अपडेट आ रहा तो उसमें हम लोग को मिथिक फोर्स में कन्फर्म है कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये वाली जो गन है तो पूरा भाई हम लोग के यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर से रिलेट करती है। बाकी इसका ब्रॉडकास्ट भी हम लोग को पूरा एक मतलब कि जैसे M4 ग्लेशियर का है ना, तो उसी टाइप से हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके हाई चांसेस है कि हम लोग के यहाँ पे मिथिक फोर्स में देखने को मिल जाएगी ये वाली गन। और सबसे बेस्ट बात है भाई ये वाली जो विंटर वाली हम लोग विंटर क्वीन जो M249 है, तो ये तो पूरा हम लोग को बहुत ज़्यादा विंटर से रिलेटेड ही है, तो इसके भी यहाँ पे चांस बन सकते हैं कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका मिथिक फोर्स होने वाला ग्लोबल का, भाई बीजमाई के नहीं बता रहा हूँ, पहले आपको बता दे रहा हूँ बीजमाई वाले थोड़ा सा दूर रहे, हालांकि मैं भी बीजमाई खेलता हूँ, पर क्या करें बीजमाई की लिक्स आती नहीं, तो भाई अब क्या ही दिखाएं। बाकी यहाँ पे ग्लोबल की आपको बता दे रहा हूँ जो जो चीज़ें आने वाली हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो इसका एडवांस फॉर्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे फाइनल फॉर्म हो गया, बाकी ब्रॉडकास्ट देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में इसका फाइनल फॉर्म। तो ये आपकी विंटर क्वीन आपको देखने को मिल जाएगी जो कि हम लोग को मिथिक फोर्स में आने वाली है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, तो बस आज के लिए बस इतना, जब तक थैंक्स वॉचिंग है, लव यू, टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय। और प्लीज़ जाते जाते एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, आपके भाई क्या 10K फैमिली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग कंप्लीट करा दो। उसके बाद गिव अवे वगैरह करते हैं, आप लोग को बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई गिव अवे करो, पर आप लोग भाई 10K फैमिली करा ही नहीं रहे, तो भाई क्या ही करूँ। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग 10K फैमिली कंप्लीट करा दो, उसके बाद सीधा यहाँ पे गिव अवे करते हैं। तो प्लीज़ जब तक थैंक्स वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय।